कंधा जो है 18 इंच में बटन कांच के लिए फोल्ड किया जा होता है, इस तरीके से इसे शेप दे देंगे। इस तरीके से हम कटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। मगर जब इसका शोल्डर कटिंग करना होता है तो वहां पे फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच आ रहा हूं दोस्तों एक कटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के, यानी कि शर्ट को कटिंग करना है। और शर्ट को इतना आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, शर्ट कटिंग करने वाला वीडियो जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे मेन चीज क्या होता है, बहुत लोग टेलर जो है सबकी कटिंग जो है अलग अलग होता है, सब टेलर का कटिंग अलग अलग होता है। कुछ लोग कपड़ा जब सिलवाते हैं ना तो कहते हैं वो टेलर नहीं अच्छे से सिलता है, वो टेलर बहुत बढ़िया सिलता है, वो टेलर बहुत बेकार सिलता है। तो इस तरीके से भाई देख लीजिए, सबसे मेन चीज क्या होता है, कटिंग। अगर कटिंग आप सही ढंग से और सही तरीके से करते हैं तो एक गंवार आदमी से अगर आप सिलाई करवा लेंगे ना तो भी उसका सिलाई एकदम बढ़िया से आएगा, आपका शर्ट बैठ जाएगा। तो इसमें क्या मेन चीज है, आज मैं कटिंग बताने वाला हूं दोस्तों। मैं कटिंग का वीडियो बहुत कम ही बनाया नहीं था, मैं सिलाई मशीन रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता था। मगर कुछ लोग बोले कि सर आप कटिंग का वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं कटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। एक शर्ट है हमारे पास, देख लीजिए नाप, यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूं और इसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से कटिंग करके आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों देख लीजिए, सिलाई मशीन से रिलेटेड, रिपेयरिंग से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम आपको पहले नाप दिखाते हैं और इसके बाद कटिंग करके स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे मेन चीज कटिंग ही होता है, कटिंग सीखना बहुत जरूरी है। सिलाई कितना भी सीख लीजिए, अगर कटिंग आपको नहीं अच्छे से आता है तो आपका कपड़ा सही से नहीं बैठेगा, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाते हैं, कटिंग करने जा रहे हैं। और कटिंग करते समय आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम बड़े बड़े अक्षर में देख लीजिए नाप को लिख लिए हैं, कि जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे लंबाई लिख लिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए 29 इंच है, और कंधा जो है 18 इंच है, बाजू 24 इंच है, और कफ उसका जो है 8.5 इंच है, सीना जो है 34 इंच है, और एक पल्ला शर्ट का एक पल्ला नापा जाता है तो 9.5 इंच है, और बीच में 8.5 इंच है, कॉलर इसका 13.5 इंच है, एप्पल मॉडल मतलब उसको क्रॉस बोलते हैं, नीचे इसका मार्का मार रहे हैं। अब इसका नाप हम कटिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये चीज हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए हम यहां से क्या करेंगे, पहले हम कपड़ा ले लेते हैं। देख लीजिए कपड़ा जो है 2.25 मीटर होना चाहिए, फुल साइज में 2.25 मीटर लगेगा। अब यहां से इस तरीके से हम कपड़ा को रख लेते हैं, देख लीजिए इस तरीके से। अब क्या करते हैं, ये जो किनारी की साइड होती है, देख लीजिए किनारी की साइड जो है ये दोनों हमें एक साथ कर लेना है, इस तरीके से यहां पे एक साथ कर लेना है, इस तरीके से एक साथ कर लेना, देख लीजिए। और यहां पे करने के बाद फिर अच्छे तरीके से आपको सेट कर लेना है, यानी कि बराबर हो, यहां पे जब बराबर रहेगा तभी सही रहेगा। यहां पे देख लीजिए इस तरीके से हम बराबर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर की तरफ देख लीजिए, इसको हमें क्रॉस कटा होता है, देख लीजिए कहीं ऊपर कहीं नीचे देख लीजिए क्रॉस रहता है, तो बस हमें क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है, यहां से देख लीजिए इस तरीके से ऐसे मार्कर लगा देना है, इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका साइड के लिए जो फैशन पट्टी चिपकाया जाता है जिसमें काज और बटन बनाया जाता है, इसके लिए हमें क्या करना है, देख लीजिए 2.5 इंच ले लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे 2.5 इंच नाप लेना है, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, पटरी ले लेना है और इस तरीके से रख करके, और यहाँ पे हमें सलाक लगा देना है इस तरीके से, देख लीजिए। ये जो हमारा साइड हो गया, इसमें बटन काज के लिए फोल्ड किया जाएगा, इसके वजह से ये काटा जाता है, मतलब इसको निकाल लेते हैं। अब यहां पे जो हमारा लंबाई है देख लीजिए 29 इंच है, तो यहां से हमारा लंबाई जो है 29 इंच पे हम यहाँ पे मार्का लगा देते हैं, और 30 इंच पे एक लगा देते हैं, 1 इंच का जो गैप हमारा नीचे का मोड़ होता है शर्ट का वो हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां पे जो है हमारा सीना 34 इंच है, तो 34 का चौथाई अगर भाग करते हैं हम तो देख लीजिए यहां पर कितना आता है, 8.5 आ जाएगा, 8 × 16 = 32 = 34, 8.5 इंच आता है, 8.5 ही रखेंगे तभी चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, फिटिंग अगर कटिंग करना है तो 8.5 पे ही आपको मार्का लगाना है, सीने का चौथाई भाग करके आपको इस तरीके से मार्का लगा देना है, ये बाजू के लिए रहेगा। और यहां से फिर आपको लंबाई पूरा ले लेना है, देख लीजिए 29 इंच है, तो यहाँ पे 29 30, 1 इंच यहाँ पे फोल्डिंग के लिए छोड़ा जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सीना के पास में हमें पटरी रख लेना है इस तरीके से, और यहां से इस तरीके से हमें मार्का लगा देना है, देख लीजिए इस तरीके से हमें मार्का लगा देना है। अब यहां पे नीचे के साइड में भी मार्का लगा देना है इस तरीके से, देख सकते हैं
यहाँ पे इस तरीके से मार्का लगा देना है। ये जो क्रॉस का चिन्ह है, ये क्रॉस यहाँ पे हम सब करते हैं इस तरीके से कटिंग करते हैं, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं एप्पल मॉडल, यानी एप्पल ओपन शर्ट बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं एप्पल मॉडल। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे कंधा जो हमारा है, यहाँ पे देख लीजिए कंधा का 18 इंच है, तो यहाँ 9 × 18 आ रहा, तो आधा इंच हम थोड़ा बढ़ा लेंगे सिलाई, आधा इंच बढ़ा के हम सिलाई ले लेते हैं, तो 9.5 इंच आ गया। अब सीना देख लीजिए, सीना का जो यहाँ पे हम नाप लेंगे, ये सीना के हिसाब से ही लेंगे। सीना देख लीजिए 34 इंच है, तो यहाँ पे हमारा 17 × 34 होता है, 8 × 16 = 17, 8.5 इंच आएगा यहाँ पे, तो 8.5 इंच पे यहाँ पे हम चीना लगा लेते हैं, देख लीजिए 8.5 पे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ जो एक पल्ला हम नापते हैं शर्ट का ना, वो 9.5 इंच है। अब 9.5 है, तो यहाँ पे हम 9.5 देख लीजिए, यहाँ पे आधा इंच और बढ़ा लेते हैं, 9.5 है तो 10 ले लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए 10 इंच पे चीना लगा दिए। अब सेम नाप जो यहाँ का सीना का है, यही सेम नाप हमें नीचे कर देना है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम मार्का लगा दिए हैं। अब ये जो बीच का हिस्सा है, जो यहाँ पे हम 8.5 इंच लिखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 8.5 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा, तो आधा इंच हम सिलाई लेंगे, 9 इंच ले लेंगे यहाँ से, देख लीजिए 9 इंच ले लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक क्रॉस पटरी ले लेना है, और यहां से इस तरीके से रख के इस तरीके से ऐसे मार्का लगा देना है यहाँ पे, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका जो साइज कंधे का साइज, यहां से रखेंगे इस तरीके से, ऐसे चीना मार लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से राउंड दे देंगे, देख लीजिए इस तरीके से राउंड कर देंगे। अब शेप देने के बाद में यहां से देख लीजिए 2 इंच इधर से ले लेते हैं और 2 इंच यहाँ पे, ये कॉलर के हिस्सा होता है, इस तरीके से शेप दे देंगे। और यहां से क्या करते हैं, इस तरीके से हम 1.5 इंच जो है ऊपर से जो क्रॉस करते हैं यहाँ पे 1.5 इंच ले लेंगे, और 1.5 इंच लेने के बाद यहां से हम यहां से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, देख सकते हैं इस तरीके से क्रॉस कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस पल्ला को कटिंग कर देना है, देख लीजिए किस तरीके से, यहां से इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, इस तरीके से यहां पे कट करके और सेम इस तरीके से हम कटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा समय भले लग जाए, मगर आपको वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, इसलिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम 2 बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा, और देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से इस तरीके से हम कटिंग कर दिए हैं, अब यहां से हम इस तरीके से नीचे के साइड में कटिंग कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। अब ये जो हमारा है कट के रेडी हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा शर्ट है, शर्ट का ये आगे का पल्ला होता है जो, ये हमारा कट के रेडी हो गया। अब सेम हमें पीछे का पल्ला काटना है, तो यहां से हम इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब इसको साइड में करने के बाद यहां से हम थोड़ा कट का चिन्ह लगाते हैं, इसलिए कि कारीगर जो है इसी हिसाब से वो फैशन पट्टी को चिपकाएंगे। अब यहां से क्या करते हैं हम, देख लीजिए यहां से फिर पीछे का पल्ला हमें कटिंग करना है, तो इस तरीके से फिर दोबारा रख लेते हैं, और रखने के बाद इस तरीके से हम मोड़ लिए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से हम मोड़ लिए हैं। अब मोड़ने के बाद यहां से हम पलट लेते हैं इस तरीके से, जो कटिंग किए थे हम सामने वाला पल्ला उसको, तो यहाँ पे रखने से पहले थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा हम कम में कर लेते हैं, क्योंकि भाई कपड़ा थोड़ा बचेगा तभी तो उसमें कॉलर कब चिपकाया जाएगा, खर्चा भी निकलना चाहिए, तो इसके वजह से देख लीजिए यहां से हम इस तरीके से रखेंगे दोबारा, जो कटिंग हम आगे का पल्ला किए थे वो उसको इस तरीके से दोबारा रख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रखने के बाद देखिएगा, यहां से जो है आधा इंच हमें छोड़ के रखना है, और यहाँ पे भी आधा इंच छोड़ के रखना है, ये जरूरी है, ये चीज आप देखिएगा। और यहां से क्या करना है, छोड़ने के बाद फिर आपको दोबारा यहां से आधा इंच बढ़ा लेना है, देख लीजिए मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, क्योंकि डेली कटिंग करने की वजह से हम सबको पता है, बार बार नापते नहीं है, कुछ अंदाज से ऐसे मार देते हैं, मगर आपको हमें दिखाना जरूरी है, इसके वजह से हम यहां से इस तरीके से क्रॉस करके और यहां से इस तरीके से शेप देंगे, फिर यहां से कटिंग कर देंगे, देख सकते हैं यहां से हम फिर उठाएंगे दोबारा कटिंग करते समय, यहां से इस तरीके से कटिंग करेंगे और यहां से फिर हम कट कर लेंगे, देख लीजिए। दोबारा फिर नीचे से कट करेंगे, देख लीजिए। अब कट करने के बाद क्या करना है हमें, नीचे का साइड जो होता है, नीचे का पल्ला होता है, यहां से हम आधा इंच थोड़ा सा छोटा कर देंगे, हमेशा आगे वाले पल्ले से पीछे वाला पल्ला थोड़ा आधा इंच छोटा ही होता है,
देख लीजिए यहां से अब क्या करना है हमें, इसके ऊपर से एक मिनट देख लीजिए, यहां से जो है कम से कम 1.5 इंच हमें छोटा कर देना है। अब इसके साइज में हम यहां से सीधा चिन्ह लगाएंगे और चिन्ह लगा करके यहां से हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम कट कर दिए हैं, देख लीजिए। अब सबसे मेन चीज क्या होता है, शर्ट तो लोग कटिंग कर लेते हैं, मगर जब इसका शोल्डर कटिंग करना होता है तो वहां पे फंस जाते हैं। शोल्डर कटिंग करते समय यानी कि तीरा, जिसको तीरा बोलते हैं, देख लीजिए यहां पे कहीं तीरा बोलते हैं, कहीं शोल्डर बोलते हैं, कहीं कंधा बोलते हैं। देख लीजिए यहां पे कंधा लिखा हुआ है। तो अब चलिए हम इसको शोल्डर को कटिंग करते हैं। अगर आप शोल्डर बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो तीरा बोलते हैं तो बस तीरा हम कटिंग करेंगे। तो पहले तीरा का कटिंग जो है ये समझ लीजिए, क्योंकि शर्ट कटिंग करने के बाद उसी तीरा को काटने में फंस जाते हैं लोग। तो यहां से इसको आपको हम सीधा कर लेते हैं, देख लीजिए इस तरीके से सीधा कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। यहां पे मोड़ने के बाद, यहां से मोड़ने के बाद में फिर हमें क्या करना है, इसका पीछे का पल्ला इस तरीके से मोड़ के हमें यह चेक करना है कि कितना साइज हमारा है। तो 9 इंच है। अब यहां पे बस 9 इंच पे हमें मार्का लगाना है, देख लीजिए यहां से तीरा कटिंग करने के लिए 9 इंच पे यहाँ पे हम मार्का लगा दिए हैं। और इसके बाद में क्या करना है हमें, इसके बीचों बीच के हिस्सा यानी कि जो ये कटा हुआ है इसके बीचों बीच के हिस्से पे यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच फीता का बढ़ा लेना है, बढ़ा के रख के, और इसके ऊपर से ऐसे दोबारा आगे वाला पल्ला जो है ऊपर से सेट कर देना है। फिर इसके ऊपर जो है 1 इंच ऊपर से ऐसे फीता को हमें मोड़ लेना है इस तरीके से, समझ लीजिए। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, 1 इंच मोड़ने के बाद बस इसके इसकी जो कटिंग ये कंधा वाला है, देख सकते हैं कंधा का कटिंग से 1 इंच नीचे जाना है हमें। यहां से अंदाज 1 इंच ले लीजिए। अब इसको जब घुमाएंगे ऐसे तो देख लीजिए 6.5 इंच आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6.5 इंच पे चीना लगाएंगे और यहां से 1.5 इंच घटा करके यहां लेंगे। देख लीजिए 1.5 इंच घटा दिए हैं तो यहां आ गया 5 इंच। 5 इंच पे हम यहाँ पे मार्का लगाएंगे, फिर इसी के सिधाई पे 5 इंच पे मार्का यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 इंच पे मार्का लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है आपको देख लीजिए बता देते, यहां से इस तरीके से और यहां से इस तरीके से और यहां से इस तरीके से ऐसे देख लीजिए शेप दे देना है यहाँ पे इस तरीके से। बस आपको यहां से कटिंग कर देना है, देख लीजिए इस तरीके से कटिंग करके और यहां से आपको कट कर देना है। अब ये जो हो गया आपका तीरा, देख लीजिए यहां पे आपका जॉइंट हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आपका जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से ये मुड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉलर लगा देंगे और बाजू कटिंग करने के लिए हम दूसरा दिखा रहे हैं आपको, बाजू भी ने कटिंग की है। अब ये हमारा हो गया आगे का पल्ला, हो गया पीछे का, हो गया और शोल्डर भी हो गया। अब यहां से हम देखिए बाजू कटिंग करते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, कपड़े को फिर इस तरीके से सेट करते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको मोड़ देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा जगह यहाँ पे कम हो जाता है काउंटर पे इसके वजह से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मोड़ दिए हैं, साइड में रख लिए हैं और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं इस तरीके से। इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे सेट कि ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, दिखाए। यहां से इस तरीके से हमें मोड़ना है, देख लीजिए। इस तरीके से मोड़ने के बाद में यहां से ऊपर आप ध्यान रखिए, ये बाजू का जो कट करना है हमें यहां से, तो यहां पे ऊपर हम टिक लगाएंगे क्योंकि इसका सिधाई इस तरीके से लेना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो ये हमारा जो कट है यहां से देख लीजिए 2.5 इंच पे मोड़ देंगे, यहां पे 2.5 पे हम कट लगाएंगे। इससे क्या होगा, इस तरीके से हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब यहां से हमें बाजू नाप लेना है, देख लीजिए बाजू हमारा 24 इंच है तो हम यहां से पूरा 24 इंच ही नापेंगे, सिलाई नहीं लेंगे। यहां से हम सिलाई नहीं लेते हैं क्योंकि बाद जो कफ कटिंग करते हैं उसी में सब सेट हो जाता है। ये बाजू देख लीजिए हमारा 8.5 इंच कफ है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 × 8 8.5 यानी 2 सूत इधर ले लेते हैं और इसके बाद में हम 4.5 इंच के कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्रॉस पटरी ले लिए हैं और क्रॉस पटरी लेने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से हम सलाख कर देते हैं और इसके बाद यहां से कट कर देते हैं। देखिए वीडियो जो है हम रिवर्स नहीं करते हैं और ना स्लो मोशन में करते हैं, इसके वजह से जिस तरीके से हम रेल में कटिंग करते हैं सेम आपको बता देते हैं, इसलिए कि कहीं कोई मिक्सिंग नहीं किए हैं, कट पट नहीं करते हैं बार बार। जब कोई लोग कुछ लोग बनाते हैं वीडियो बार बार कट करते हैं तो उसमें कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। तो देख लीजिए यहां से हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐसे शेप दे देना है। देख लीजिए थोड़ा सा आगे का जो पल्ला होता है थोड़ा 1 इंच गिरा कर रखना है और यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं। इससे क्या पता चल जाएगा
कि ये समझ जाएंगे कि आगे की तरफ रहेगा। अब हमें इस बाजू को इस तरीके से पलट लेना, इस तरीके से पलटने के बाद में हमें फिर इस तरीके से घुमा लेना है, इस तरीके से देख लीजिए। अब घुमाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है तवीज का कट लगाना है। तो यहां से देखिए एक इंच जो है जास्ती ले लेना है, और एक इंच लेने के बाद में कम से कम हमें यहाँ पे 4.5 इंच देख लीजिए 4.5 इंच का कट यहाँ पे रखना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 4.5 इंच का कट करने के बाद कैंची थोड़ा सा घुमा देना है, देख लीजिए अब ये कट हो गया। अब यहाँ पे हम खोल के दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा तवीज बन जाएगा, इसमें कफ लग जाएगा, ये आगे का पल्ला हो जाएगा जो कट लगा हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ से हमारा जो है कटिंग सब हो गया, ये पीछे का पल्ला हो गया, ये आगे का पल्ला हो गया, ये तीरा हो गया और ये बाजू हो गया, यानी सेट जो हमारा है कटिंग हो करके रेडी हो गया। अब ये जो कपड़ा फालतू है ये हमारा खर्चा हो गया, यानी इसमें कफ बनेगा, जेब बनेगा, पट्टी बनेगा, सब इसमें लग जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर कोई आपका फरमाइश है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए तो आप जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।